انغار الهنج इसराइल अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है, वहीं मिडिल ईस्ट में उसके चारों तरफ एक ऐसा आग का चक्र तैयार हो गया है जिस पर कदम रखते ही इजरायली सेना के ऊपर बम और गोले बरस रहे हैं। हिजबुल्ला के घातक हमलों से इसराइल को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इजरायली सेना के लिए ये जंग अब सिर्फ हमास के साथ सीमित नहीं रह गई है। इस जंग में अब IDF को हमास के साथ साथ उसके प्रतिरोधी गुटों का भी सामना करना पड़ रहा है। हिजबुल्ला हर घंटे और हर दिन अपने हमलों में इजाफा कर रहा है। पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद से हिजबुल्ला बदला लेने के लिए बेचैन है। बदले की आग में हिजबुल्ला ने इसराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेट दागकर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। हिजबुल्ला यही नहीं रुका है, उसने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को निशाना बनाया। जी हाँ, हिजबुल्ला ने पहली बार इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर मिसाइल दागने का दावा किया है। हिजबुल्ला ने सुबह घोषणा की कि उसके लड़ाकों ने तेल अवीव के उपनगरीय इलाके में मोसाद मुख्यालय को निशाना बनाकर कादर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। समूह के बयान के मुताबिक मोसाद उनके नेताओं की हत्या और पेजर तथा वॉकी टॉकी विस्फोटकों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और लेबनान में हजारों लोग घायल हो गए। इसके साथ ही हिजबुल्ला ने कहा कि ये हमले का गाजा पट्टी में दृढ़ फिलिस्तीनी लोगों और उनके बहादुर और सम्मानजनक प्रतिरोध के समर्थन में है, लेबनान और उसके लोगों की रक्षा के लिए है। दरअसल हिजबुल्ला इस वजह से भी भड़का हुआ है क्योंकि इसराइल की तरफ से बेरूत में किए गए हवाई हमलों में उसके एक वरिष्ठ कमांडर की मौत हो गई है। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में ऐसा पहली बार है जब हिजबुल्ला ने तेल अवीव पर रॉकेट से हमला किया है। वहीं दूसरी तरफ IDF दावा कर रही है कि हिजबुल्ला की मिसाइल को उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया है। IDF ने कहा कि रॉकेट हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया, जिसके बाद तेल अवीव में चेतावनी वाले सायरन बजने लगी। IDF के मुताबिक किसी तरह के नुकसान या हताहत होने की कोई रिपोर्ट इस मामले में सामने नहीं आई है। वहीं इसराइल भी लगातार हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले कर रहा है। इसराइल ने लेबनान के कई इलाकों में एक साथ हमला किया। IDF ने कहा कि उसके फाइटर जेट्स ने रात में लेबनान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्ला के कई लॉन्चिंग पैड को नष्ट किए हैं। इस सब के बीच इसराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के नागरिकों को एक संदेश दिया है कि इसराइल की जंग लोगों से नहीं बल्कि हिजबुल्ला से है। हिजबुल्ला लेबनान के लोगों को ढाल बना रहा है और हिजबुल्ला ने हमारे घरों पर रॉकेट दागे, हमारे लोगों को बचाने के लिए हमले किए। यहाँ देखने वाली बात यह है कि हिजबुल्ला कमांडर फौज शुकुर की मौत के बाद से हिजबुल्ला अपने हमलों में तेजी लाया है, लेकिन इसराइल को यहाँ किसी भी मामले में कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि IDF जिस तरह हिजबुल्ला के हमलों को झेल रही है उसके जवाब में वो भी उतनी ही तेजी से और भयानक तरीके से हमला कर रही है। 24 सितंबर को भी इसराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले किए और इन हमलों में 6 लोगों के मारे जाने की बात सामने आई। यह हमला बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हुआ जहाँ हिजबुल्ला का प्रभाव अधिक है। इस बीच लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला के एक और वरिष्ठ कमांडर इब्राहिम कुबैसी की मौत का मामला भी सामने आया। इसराइल और हमास की जंग में पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध का जंगी मैदान बन गया है, जहां दोनों ही एक दूसरे के आगे सरेंडर करने या समझौता करने की बजाय युद्ध की सहायता से जीत की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन ये जंग अभी इतनी जल्दी किसी एक के पाले में जाती हुई नजर नहीं आ रही है।